सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, बड़ा ही खास शो लेकर आ रही हैं आप, और कितने एक्साइटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल? आई थिंक जब भी कुछ नया हम करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, ऑब्वियसली एक एक्साइटमेंट है, एक खुशी की बात है, एक नर्वसनेस भी है, लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड. दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू फॉर्मेट, इंडियाज़ बेस्ट डांसर. पहली बार मैं टेरेंस और गीता मैम के साथ मैं जज कर रही हूँ, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है. और जैसे हमारा शो का नाम है इंडियाज़ बेस्ट डांसर, हमें बेस्ट ही चाहिए. टिल वी डोंट फाइंड द बेस्ट, वी आर नॉट गोइंग टू रेस्ट. इट्स वेरी सिंपल कि आराम बिल्कुल नहीं मिलेगा जब तक हमें बेस्ट डांसर ना मिले. सो जी हाँ, बड़ा मज़ा आ रहा है. अगर जर्नी की बात की जाए तो ये बेस्ट डांसर्स की जो जर्नी रही, कितनी स्ट्रगल भरी, क्योंकि हमारे देश में इतने टैलेंट हैं, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में एक टैलेंट है, तो कितनी मुश्किलें हो रही हैं. हमारी मिट्टी में ही टैलेंट यू नो भरा हुआ है हमारी मिट्टी में. सो ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि गली में, नुक्कड़ में, घरों में, छोटे छोटे शहरों में इतना सारा टैलेंट है, लेकिन आई थिंक पहले शायद वो प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे ये टैलेंट हम दिखा, यू नो एग्जैक्टली. अब वो प्लेटफॉर्म है, सब आगे आ सकते हैं और आपका टैलेंट दिखा सकते हैं. आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और हमारी ऑडिशंस बड़े तेज़ों से आगे जा रही है, एंड आई थिंक सिर्फ मुंबई अभी बाकी है. सो वी आर रियली एक्साइटेड. वी हैव दिल्ली हो चुकी है, कोलकाता, चंडीगढ़, इंदौर, जयपुर, पूना, मतलब ऑल ओवर द कंट्री. और हम सबसे बेस्ट ही हमने चुन के हम यहाँ लाएंगे मुंबई में, और फिर जो हम स्टेज पे देखेंगे बेस्ट ही रहेगा. सो आई थिंक काफ़ी हमने छाना है, काफ़ी ढूंढना है, काफ़ी हमारे जो मैग्नीफाइंग ग्लास है हमने उठा के हमने देखा है. सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई एम वेरी ईगर टू से सी कि अब क्या होगा. अगर बात की जाए तो आप जो हैं इंडिया की बेस्ट डांसर है, और हमेशा ऑडियंस ने आपको प्यार किया है, हम सभी ने आपको प्यार किया है. अगर बात की जाए तो आपके भी दिनों को याद करते हैं कि जब आप किसी को, मतलब जज करती हैं किसी कंटेस्टेंट्स को, आपके भी ख्याल में आता है कुछ कि शुरुआती दिनों में क्या कुछ याद है? आई थिंक जब भी मैं जज करती हूँ, हमेशा मुझे, जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मुझे पहली बार शायद मैं गिरी या मैं कुछ भूल गई या किसी ने मुझे डांटा था या कुछ अजीब किस्म का कुछ हुआ, तो ऑब्वियसली मुझे भी ये सब याद आता है. बिकॉज आई थिंक हर एक कंटेस्टेंट, जब हम इतने, मतलब पास से, हम इतने सामने से हम मिलते हैं, इतना कुछ हम देखने को भी मिलता है, बिकॉज उनके एक तरह का एक जर्नी भी हम देखते हैं. ये नहीं है कि सब सिर्फ हम डांस देख रहे हैं, एक जर्नी भी होता है. सो वी गेट टू नो देम पर्सनली. सो ऑब्वियसली हमारे भी जो भी छोटे मोटे जो भी पर्सनल बातें हैं वो भी हमेशा निकलता है शो पे. तो ये जर्नी की शुरुआत कब से होने वाली है, कब से है आप हम सभी के घरों में, हम आपको देख सकते हैं, कब से शोज हम आपको देख सकते हैं, कुछ उसके बारे में बताएं, क्या कुछ प्रोसेस? आप देखोगे, इट इज़ जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ कपल ऑफ कुछ हफ्तों में. और जैसे मैंने कहा, फिलहाल अब सिर्फ ऑडिशंस ख़त्म हो चुके हैं, नाउ वी गेट टू सी द रियल टैलेंट ऑन स्टेज. सो बस जल्दी जल्द आपको आप सबको ये शो देखने को मिलेगा, ओनली ऑन सोनी. जाते जाते जो ऑडियंस, जो डांसर्स हैं या फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ये सब चीज़ें, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अब कोई इस जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर कुछ ट्राई करना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? आई थिंक सबके लाइफ में एक स्ट्रगल तो होती रहती है, सबके लाइफ में एक कहानी है, सबके लाइफ में एक ऐसे कुछ हालात भी है जहाँ पे थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट भी हो. सो आई थिंक हम बस यही कहना चाहते हैं कि यू शुड पुट दोज फीलिंग्स असाइड और बस यहाँ पे दिखाइए आपका डांस, आपका प्योर टैलेंट आप दिखाइए. एंड बस मैं यही कहूँगी कि इतना सारा प्यार आपको मिलेगा, इतना सारा हम साथ में हम यू नो एंजॉय करेंगे, साथ में हम ये जर्नी पे चलेंगे. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि बस आपका टैलेंट दिखाइए. लाइफ में बहुत ऐसे मौके मिलेंगे, बट ये जो आपको मौका मिला, आई थिंक ये आपको ग्रैब करके आपको रखना चाहिए. डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, जैसे कहते हैं, एंड मेक द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन. थैंक यू सो मच हमसे बात करना है. होप कि जो आप शो ला रही है, हर बार की तरह जितना प्यार मिला है आपको और आप जो कंटेस्टेंट्स को इतना प्यार मिलता है, इस बार भी मिले. थैंक यू सो मच. यही हम दुआ करते हैं कि ढेर सारा प्यार मिले, ढेर सारा हम इन्जॉय करें, ढेर सारा कुछ सीखने को भी मिले. आई थिंक कभी भी ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए जहाँ पे आपको ये दिमाग में हो कि हम सब जानते हैं. आई थिंक
लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग और ये तो होता रहेगा, बस आपको सीखना चाहिए, आई थिंक वही इम्पोर्टेंट है लाइफ में। थैंक यू सो मच हमसे बात करने, थैंक यू सो मच। कैमरा मिंटू सिंह के साथ उमेश शुक्ला, ई24 मुंबई।